नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आज दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के तमाम दलों को जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में कुल 16 विभिन्न दलों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। और उस बैठक की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि आगामी जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार देंगे। बता दें कि बैठक के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, उनके नाम पर सहमति तमाम विपक्षी दलों की बनी हुई है। अब उन फैसला शरद पवार को लेना है कि वो क्या इसके लिए तैयार है, क्या वो राष्ट्रपति जो चुनाव हो रहा है उसके लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनने के लिए वो तैयार है। बता दें कि बिहार की ओर से भी आज जो आरजेडी है राष्ट्रीय जनता दल, उनकी ओर से मनोज झा सांसद और एडी सिंह दो प्रतिनिधि के रूप में पार्टी की ओर से शामिल हुए थे। पार्टी की बैठक खत्म होने के बाद तमाम लोग जो निकल रहे थे, सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि जो भी विपक्ष का कैंडिडेट होगा उस पर एक राय है और फिलहाल विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के बाद ममता बनर्जी समेत तमाम नेता, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। पहले आप लोगों को मैं बधाई देने चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, यू वेटेड 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 सो मच टाइम इन दिस हॉट वेदर। आप लोगों ने आए हुए हैं बहुत देर से, आप इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप जो मीटिंग हम लोग प्रिंसिपल पार्टी है।